वार्ड पार्षद आशा शर्मा की ओर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जियो डायनामिक इन हिमालयाज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट थीम पर आधारित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 3 दिनों तक धर्मशाला में आपदा पर मंथन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के 150 से अधिक भूवैज्ञानिक प्रोफेसर वैज्ञानिक और शोधार्थी भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलोर के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। वैसे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में समय समय पर इस तरह का आयोजन होता रहा है, लेकिन पहली बार, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस इस तरह की एक आम कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो थीम है वो जियो डायनामिक्स इन हिमालय एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह का करके ये जो हमारे यहाँ पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है हिमाचल प्रदेश की और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है बेंगलोर की, आपस में ये डिसाइड करते हैं। वैसे तो जियोलॉजिकल जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये बिड के द्वारा 2 साल पहले प्रोफेसर अमरीश महाजन, जो कि डीन है विभाग के यहाँ के एनवायरनमेंट के, उन्होंने ये बिड जो है 2 साल पहले डाली थी, एक्सेप्ट हुई थी 2 साल पहले। तो ये जो आयोजन है, ये बहुत बड़े स्तर पे आयोजन किया जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से जो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के प्रोफेसर क्रिस्टोफर हैं, जो उसके प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें लगभग मुझे लगता है कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डिप्टी डायरेक्टर जनरल 9 जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसके साथ हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, और हमारे जो कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं, एमिल प्राइवेट लिमिटेड है, स्किपर है, मिया टेक सॉल्यूशंस है और पैन इंडिया है, मेसर्स गार्बेर जो है और आदित्य है, फोर्ज है, इस तरह के हमारे पास कॉरपोरेट पार्टनर्स भी हैं जो कि हम इसका आयोजन कर रहे हैं। इसके इनॉग्रल जो है वो 6 को होगी, 6 को मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, वो उसके इनॉग्रल के लिए आ रहे हैं, और महामहिम गवर्नर साहब जो हैं हिमाचल प्रदेश के, वो इसकी वैलिडिक्ट्री में आएंगे। इसका जो मेन पर्पज है, मैं ये समझता हूँ कि हाल ही में आपने देखा होगा कि कितनी भयंकर त्रासदी जो है हमारे प्रदेश में आई है, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि हमारा पूरा का पूरा प्रदेश जो है ये सिस्मिक जोन में है। धर्मशाला की बात करूँ तो सिस्मिक जोन 5 में है, अगर शिमला की बात करूँ सिस्मिक जोन 4 में है। क्या क्या आज तक इस तरह का सम्मेलन धर्मशाला में या हिमाचल में, कहूँ कि पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े लेवल पे इतने एक्सपर्ट्स जो हैं यहाँ पर जुड़ रहे हैं। इसमें हम विश्वविद्यालय की तरफ से, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसमें अमेरिका का जो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक मिल करके हम एक वाइट पेपर निकालने जा रहे हैं, और वो वाइट पेपर इट विल बी यूजफुल नॉट ओनली फॉर द स्टेट बट ऑल्सो फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक द, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि जो ये त्रासदी आती है इसका आभास हमें कुछ तो हो जाता है, जो हो जाता है 50% तक हम इसको रोक भी सकते हैं, और बाकी 50% एकदम जो हो जाए उसके लिए हम क्या मैयर्स, क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, कितना मिनिमाइज कर सकते हैं नुकसान को, उस चीज़ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा वाइट पेपर जो है वो हमारे यहाँ से निकलेगा एंड इट विल बी यूजफुल फॉर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग इन फ्यूचर। इसमें टोटल 150 पार्टिसिपेंट्स जो है वो हमारे देश और विदेश से आ रहे हैं, और अच्छा डेलीब्रेशंस होगा, अच्छे हमारे जो हैं इन 3 दिन में, इन डेलीब्रेशंस के बाद, मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब विजिट किया है बाहर के देशों से, हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टडी करने की ज़रूरत है और बहुत आवश्यकता है। तो हम कई रोल मॉडल लेते हैं, कई रोल मॉडल बाकी डेवलप्ड कंट्रीज का लेते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज ने कितना अच्छा आज की डेट में बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ पर, तो उस तरह का मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ेगी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय उस तरह का आधारभूत ढांचा जो है हम स्थापित करेंगे, ताकि ये ना केवल प्रदेश का बल्कि देश का एक अनूठा जो है वो लैब जो है हमारे विश्वविद्यालय का बनने जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।